क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर हम छींक रोकेंगे तो क्या होगा? तो ये जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगर बात की जाए छींक रोकने की, तो जो हमारी छींक होती है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है, और अगर आप अपने छींक को रोकेंगे तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर 20 गुना ज़्यादा असर पड़ेगा, और तो और आपकी आँखों में जो वेसल्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँच सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें छींक आती क्यों है? तो छींक इसलिए आती है क्योंकि हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, और जो बैक्टीरिया हवा में उड़ते हैं वो नाक में जाने के बाद इन बालों में फंस जाते हैं। तो यही थे कुछ कारण कि हमें छींक क्यों आती है और हमें छींक क्यों नहीं रोकनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।